अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफन फूडी। टिफन फूडी में आज हम आपको बताना चाह रहे हैं एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज। इन्फॉर्मेटिव मैसेज है सैनिटाइजर के बारे में। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ, बहुत आसान सी रेसिपी है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमें कोरोना के वायरस से, हमें और हमारी फैमिली को सेव रख सकता है। तो प्लीज़ इसे अपनी पॉकेट्स में, अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा लेके इसको हाथों पे अच्छी तरह से मल लेना है और इसकी रेसिपी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे आसानी से मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफ़न फूडी। टिफ़न फूडी में आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले बंद गोभी, उसके साथ हम लेंगे गाजर ब्रीक स्लाइस में कटी हुई, उबली हुई चिकन, ऑयल, शिमला मिर्च, मैदा, पानी, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, रोल पट्टी। रोल पट्टी की रेसिपी आपको पहले बता चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। चलिए यहाँ पर हमने लिया है पैन, इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ठीक है, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई गाजर, इनको हम जूलियन कट भी कहते हैं। इसको अच्छी तरह से हम सोटे कर लेंगे। इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च और इसको भी अच्छी तरह से सोटे कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे नमक, बिल्कुल लाइट सा हम ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारी गाजर और शिमला मिर्च सोटे हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी, इसको भी थोड़ा सा सोटे कर देंगे इसी के साथ ही। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ चिकन, काली मिर्च। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नॉर्मल बना रही हूँ। सोया सॉस, नमक, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए फिलिंग शुरू करते हैं। तो फिलिंग शुरू करने से पहले इसका मिक्सचर बना लें। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका थिक सा हमने पेस्ट बना लेना है, जो हमारे स्प्रिंग रोल है उसको जोड़ने के लिए। ये देखिए, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम करते हैं फिलिंग। यहाँ पर रोल पट्टी ली है, ठीक है, आपको मैंने बनाना सिखाई हुई है। इसकी रेसिपी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। ये चौरस में हमने काट लेनी है, चौरस साइज में। ये देखिए, एक स्पून लूंगी मैं इस तरह फिलिंग अपनी। इस तरह हमने साइड पे यूं अपनी फिलिंग रख लेनी है, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये किनारा हम यूं पकड़ेंगे और इसको यूं टर्न करेंगे, ठीक है, ये हमने टर्न कर लिया। देन ये इस तरह और ये इस तरह, ठीक है, ये हमने टर्न कर लिया। और जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था उसको हमने इस ट्रायंगल, ये जो लास्ट कॉर्नर है हमारा, उसमें हमने लगा देना है ताकि हम इसको बंद कर सकें।
ये देखिए इस तरह हम लगा देंगे इसको अच्छी तरह से, और फिर इसको हम इसी के ऊपर टर्न कर देंगे और ये हमारा स्प्रिंग रोल तैयार है। इसी तरह हमने सारे रोल बना लेने हैं। सेकंड आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसी तरह हमने एक रोल पट्टी ली है, इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग रखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सी और बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी है, खुसूसन बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं रोल। इसको आप केचप के साथ, किसी भी पेस्ट के साथ इसको आसानी से बच्चों को दे सकते हैं और वो उन्हें बहुत मजा भी आएगा। इसी तरह हमने इसको भी बंद कर लेना है, इस कॉर्नर को पकड़ना है और इस कॉर्नर को पकड़ना है। इसी तरह जो पेस्ट हमने मैदे का बनाया हुआ था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको भी उसी तरह सेम तरह बंद कर देंगे। इसी तरह हमने अपने सारे रोल तैयार कर लेना। ये हमारे रोल तैयार हैं। ये देखिए मैंने सारे रोल बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह आप बना के रख सकते हैं, इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं 1 वीक तक आसानी से। ठीक है, इसको सेव कर लें और बाद में आप इसको जब चाहें फ्राई कर सकते। चलें अब शुरू करते हैं फ्राई करना। तो यहाँ पर हमने फ्राई लिया, इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें एक एक करके स्प्रिंग रोल डाल देंगे। ऑयल गर्म कर लेना है अच्छी तरह से और फ्लेम को फिर लो कर देना है ताकि ये हमारे जले ना, बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लेंगे हम इसको, ज्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम। ये देखिए हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है क्योंकि हमारी सारी चीजें पकी हुई हैं, इसको जस्ट हमने ब्राउन, लाइट ब्राउन करना है। ये हमारे स्प्रिंग रोल तैयार है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आ चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। लीजिए बहुत ही जबरदस्त स्प्रिंग रोल तैयार है, बहुत ही क्रंची और सॉफ्टी सॉफ्टी से हमारे स्प्रिंग रोल तैयार है। इसको हमने सर्व किया है इमली की चटनी के साथ और टोमेटो केचप के साथ। इसके इन दोनों की रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची से मज़ेदार से स्प्रिंग रोल तैयार है हमारे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और ट्राई करके हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आप ट्राई कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके साथ हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।